नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह, मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि आप कैसे बुरी मेमोरी से, बुरी यादों से बाहर आए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्मरण, कुछ ऐसी याददाश्त घर कर जाती है जो कि बहुत नेगेटिव होती है, जिससे कि हमें बहुत बुरे एक्सपीरियंस, अनुभव मिले होते हैं, लेकिन हम उनको लंबे काल तक भूल नहीं पाते हैं। और दोस्तों, उनको ना भूलने की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। हमारे साथ जो उस क्षण में, जो उस समय में बुरा हुआ, वह तो एक बात है, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन अपने जीवन का, के भविष्य का, अपने भविष्य का हर एक क्षण हम उस बुरी आदतों में गंवाते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई हमारे सामने आए, वो हमारा दोस्त हो, हमारा रिश्तेदार हो या हमारा मित्र हो, वो कोई गलती करता है और फिर हमसे माफ़ी मांगता है, और बहुत बार हम बोलते हैं हाँ चलो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन क्या अपनी गलतियों के लिए हम अपने आप को उतनी ही आसानी से माफ़ करते हैं? आज यह प्रश्न हमारे सामने बहुत गंभीर है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हम औरों को माफ़ कर देते हैं, अपनों को माफ़ कर देते हैं, हर किसी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्मरण हमें पास्ट में मिले थे, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें पता है कि जब हम उस मेमोरी में जाते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे शरीर में जो हमारे सारे न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो सब जो हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से एक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा भय क्रिएट हो जाता है, और वो डरे हुए माहौल में हमें और डराने का काम करते हैं, या वो पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और वो घाव फिर से नए हो जाते हैं। तो कैसे उन चीज़ों से हम बाहर आएंगे, उसके लिए दोस्तों मैं आपको ये मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। मैं स्मृत, अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ, और इस अफर्मेशन को आपको कम से कम 3 बार बोलना है, और उसके बाद आप मन में इसे बार बार अगेन और अगेन बोलते रहिए। अगर आप इसको दिल से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नया बदलाव, एक नया चेंज आएगा। तो अभी हम अफर्मेशन करेंगे। मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों और अनुभवों को याद करने के लिए करूंगी। इसी क्षण से मैं अपने मन से सभी अप्रिय यादों को निकालती हूं। उनका संबंध नश्वर मानव से है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं जो कुछ अच्छा है उसी को देखूंगी, सुनूंगी, चखूंगी, छूंगी और अनुभव करूंगी, और उसी की इच्छा करूंगी। मैं अपने जीवन के अनुभवों से केवल अच्छाई को चुनकर अपनी स्मृति में बनाए रखूंगी। मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों और अनुभवों को याद करने के लिए करूंगी। इसी क्षण से मैं अपने मन से सभी अप्रिय यादों को निकालती हूँ। उनका संबंध नश्वर मानव से है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं जो कुछ अच्छा है उसी को देखूंगी, सुनूंगी, चखूंगी, छूंगी और अनुभव करूंगी, और उसी की इच्छा करूंगी। मैं अपने जीवन के अनुभवों से केवल अच्छाई को चुनकर अपनी स्मृति में बनाए रखूंगी। मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों और अनुभवों को याद करने के लिए करूंगी। इसी क्षण से मैं अपने मन से सभी अप्रिय यादों को निकालती हूँ। उनका संबंध नश्वर मानव से है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं जो कुछ अच्छा है उसी को देखूंगी, सुनूंगी, चखूंगी, छूंगी और अनुभव करूंगी, और उसी की इच्छा करूंगी। मैं अपने जीवन के अनुभवों से केवल अच्छाई को चुनकर अपनी स्मृति में बनाए रखूंगी। एक और अफर्मेशन हम यहां पर लेंगे। परमात्मा और मैं एक हैं। हे ईश्वर, आप मुझ में हैं। हे ईश्वर, अपने ज्ञान को पूर्णतः मेरे माध्यम से प्रकट करें। हे ईश्वर, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बच्ची हूँ। आपका बच्चा होने के नाते मुझे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके शरण में आई हूँ।
आप मुझे सही रिस्पॉन्स देने की क्षमता प्रदान करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं दूसरों के व्यवहार से और मैं दूसरों की इच्छा से नियंत्रित ना हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपसे नियंत्रित हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे कंट्रोल करें। मेरे नियंत्रण की बागडोर आप अपने हाथों में लें और आप मुझे उचित दिशा, उचित कार्यों की ओर, उचित लोगों की ओर निर्देशित करें। हे प्रभु, यह जो भी बैड मेमोरी मेरे माइंड में है, मेरे मस्तिष्क में है, आप उसे दूर करने में मेरी मदद करें। भगवान, प्रभु, ईश्वर, आप मेरी यादों में सारे पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव इंसिडेंट्स को इंस्टॉल होने में मेरी मदद करें। गॉड, फिल माय सबकॉन्शियस विद ऑल पॉजिटिव थॉट्स, विद ऑल पॉजिटिव एक्शंस, विद ऑल पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विद ऑल पॉजिटिव पीपल, विद ऑल पॉजिटिव इंसिडेंट्स। गॉड, गुरुज, फिल माय सबकॉन्शियस विद ऑल पॉजिटिव थॉट्स, विद ऑल पॉजिटिव एक्शंस, विद ऑल पॉजिटिव वाइब्रेशंस, with all positive incidents and with all positive people. God, Gurus, fill my subconscious with all positive thoughts, with all positive actions, with all positive vibrations, with all positive people, with all positive incidents. God, Gurus, remove my subconscious with all negative thoughts, with all negative actions, with all negative vibrations, with all negative people, with all negative incidents. God, Gurus, please fill my subconscious with all positive thoughts, with all positive actions, with all positive vibrations, with all positive people, with all positive incidents. God, Gurus, fill my subconscious with all positive thoughts, with all positive actions, with all positive vibrations, with all positive incidents, with all positive people. Thanks God, thank you Gurus, for thy help and blessings, for thy love and joy. Thanks God, thank you Gurus, for thy love and blessings, for thy love and joy. Thanks God, thank you Gurus, for thy love and blessings, for thy love and joy. Thanks God, thank you Gurus, for thy love and blessings, for thy love and joy. Thanks. Thank you so much. Thanks, God. Thank you very much to be with me. Thanks, God. Thank you very much to be with me. Friends, whenever you feel comfortable, you can open your eyes. And if you wish to stay for more time, if you want to continue this for more time, 5 minutes more, 10 minutes more, go and continue and recite the affirmation which I have given you. And after a certain time, be neutral, be in stillness for a moment. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह।